हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई टूशन अगेन इंडिया पोस्ट ऑफ विस जी डी एस कॉर्नर होप यूर गाइज आर डूइंग वेरी वेल सो एज पीपल नो काफ़ी सारी डिमांड आ रही है नए जी डी एस सी की कि मैं बी ओ जर्नल्स के ऊपर रजिस्टर के ऊपर वीडियो बनाऊँ सो टूडे आई एम हेयर विद बी ओ जर्नल रजिस्टर्स जो कि है सेविंग के आर डी के टी डी के और सुकन्या समृद्धि के सो दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द न्यूली जी डी एस सो जितने भी नए जी डी एस हैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज कोई भी पार्ट स्किप करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रह सकती है सो डोंट स्किप नी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड अगर नहीं हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे एंड में देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन देना कमेंट सेक्शन में, में क्वेश्चन कोई क्वारी है या कुछ पूछना चाहते हो किसी टॉपिक में वीडियो नहीं मिल रही है सोमेंट so सेक्शन में ड्रॉप आउट करना सो आई विले वीडियो ऑन द टॉपिक सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद दट टॉपिक बीओ जर्नल सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी खाते में डिपोजिट करते हो विड्रॉ करते हो आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस से मेन तो चार रहते हैं आपका एक सेविंग का अकाउंट रहता है एक टी डी

तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है क्योंकि आपको बी ओ समरी के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना दी थी बी ओ समरी को कैसे मैनेज करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है देन मैंने डेली अकाउंट की भी पूरी वीडियो बना दी थी बी ओ जर्नल ही मेनटेन होते हैं सबसे पहले बी ओ जर्नल जो रजिस्टर में बताऊँगी उसके बाद आपकी होती है मेंटेन बीओ समरी देन आपका बनता है डेली अकाउंट डेली अकाउंट और बी ओ समरी के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अभी जाओ चेकआउट करो सो so आप इजीली अपने डाउट क्लियर कर सकते हो सबसे पहले बी ओ जनरल बनते हैं धन बनते हैं बीओ समरी देन आप अपना बनाओगे डेली अकाउंट सो मैं आपको भी दिखा देती हूँ जो मेरे रजिस्टर्स हैं अपने रजिस्टर्स को बहुत अच्छे से मैंटेन करके रखना क्योंकि जब चेकिंग होती है ना तो ये चीज़ चेक करते हैं आपके जो रजिस्टर्स रहेंगे बी ओ जर्नल्स के इनको अच्छे से मेंटेन करके रखना क्योंकि जब चेकिंग होती है तो इंस्पेक्टर और एमओ इसी को देखते हैं आपने जितने अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा उससे ही पता लगता है कि एक जो बीपीएम है वो काम करने में रियली really इंटरेस्टेड है कि नहीं जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो अपनी फेयर नोटबुक कितने अच्छे से सजा सजा के रखते हैं तो so, उसी तरीके से बिकॉज ये आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है जब तक आप जब से आपने ज्वाइन किया है और जब तक आप काम कर रहे हो तो जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम बहुत ही पुराने जो रजिस्टर्स थे वो चल रहे थे काफ़ी उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी बहुत ज़्यादा फट फुट चुके थे तो मैंने खुद ही नए रजिस्टर लगाती थी सारे मैंने खुद नए स्टार्ट किए थे इनको खुद से सैम्पल करा था और ख़ुद से ही मैनेज करा था दैन जब इंस्पेक्शन पे एम और इंस्पेक्टर आए थे तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी कि अच्छी बात है कि आपने अपना जो रिकॉर्ड है वो फ्रेश रखा है आप भी अगर नए वी में जा रहे हो या पुराने में जा रहे हो जो पुराने रजिस्टर्स हैं या पुराना रिकॉर्ड है उनको साइड में रख दे जिस दिन से आप काम शुरू कर रहे हो उस दिन से आप अपने ही रजिस्टर मैनेज करो ताकि आपको पता रहे आपने कौन सा काम किया है और कितना काम किया है सो so, अभी इन रजिस्टर्स के अंदर क्या है वो मैं आपको डिटेल वीडियो दिखाऊँगी बट वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी बिकॉज ये सब कुछ आपको उल्टा दिख रहा होगा इट्स फ्रंट कैमरा सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनको कैसे मैनेज करना है इनको कैसे बनाना है ये है मेरे व्यू जर्नल्स के रजिस्टर सबसे पहले है सेविंग का दैन आर डी का दैन मेरा सुकन्या और टी डी का सेम ही है बिकॉज ये वाला जो रजिस्टर ये बहुत मोटा था और मेरे पास अभी टी डी के इतने खाते नहीं है सो so मैंने इन दोनों को कम्बाइन कर दिया था अपने रजिस्टर्स वेस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने ये समझा सो फस्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेविंग का दिखाती हूँ uh, मेरे यहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में काफ़ी कम काम है सो so, यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा इसका तो आपको मिल जाएगा मतलब पैटर्न सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ये तो पंजाबी में लिखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है यहाँ पे डेट देन यहाँ पे डेट आएगी देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा आप इजिली डेट यहाँ पे भी लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है ऐसे ऐसे भी करके लिख सकते हो पहले आ जाएगा अकाउंट नंबर देन अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है जितने रुपए जमा किए हैं यहाँ पे विड्रॉल आता है कोई विड्रॉल नहीं थी तो यहाँ पे कुछ नहीं है देन जमा करने के बाद खाते में कितने पैसे हो चुके हैं वो लिखना है देन लास्ट ट्रांजेक्शन कस्टमर ने कब करवाई थी वो लिखना है दैट्स इट ये हो गया सेविंग का ऐसे ही आपने डेट वाइज करते रहना है जिस जिस डेट को जो जो एंट्री होती रहेगी ऐसे करके अपने जब विड्रॉल होएगा तो विड्रॉल की यहाँ पे ट्रांजेक्शन डलेगी डिपॉजिट होएगा तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डलेगी विड्रॉल ये डिपॉजिट दैट्स इट इसके हो जाने के बाद देन है आरडी का आरडी का काम मेरे पास बहुत सारा है सो यू कैन सी इसका रजिस्टर सिर्फ आपको सेविंग के पैटर्न का रजिस्टर मिलता है आरडी और आपको सुकन्या और टीडी के खाते का खुद बनाना पड़ता है तो इसमें जो है ये सारा सेविंग का था तो इसको मैंने अपने हिसाब से किया फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट नंबर देन कस्टमर का नेम डिपॉजिट देन उसके बाद बैलेंस कितना रह गया और डी एल टी डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन मेन अगर हम बात करें कि इनका जो पैटर्न है ऊपर का ये सब कुछ सेम रहता है डिटेल्स भी सेम रहती हैं सो so इसमें खाता नंबर लिख दिया कस्टमर का नाम लिख दिया कितने पैसे उसने जमा कराए हैं उसके बाद उसके खाते में कितने पैसे हैं और लास्ट ट्रांजेक्शन लास्ट टाइम उसने अपने बैंक खाते में कब ट्रांजेक्शन करी थी तो इस तरीके से एज़ यू कैन सी मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है मेंटेन तो ऐसे ही आप करके रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा इतने अच्छे से मेंटेन करके ताकि आपको भी समझ में आए आपने कौन से महीने में कौन सी एंट्री डाली है इससे क्या रहता है कि जब आप चेकिंग करवाते हो जब आपकी चेकिंग होती है तो जो आपके इंस्पेक्टर या एमओ रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आती है समझने में कि आपने किस तारीख़ को कौन सी एंट्री डाली है इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इसके बाद आता है सुकन्या का और टी का सेम ही पैटर्न है अकाउंट नंबर नेम डिपॉजिट यहाँ पे यहाँ पे विद्रॉल का ऑप्शन नहीं है विद्रॉल का ऑप्शन सिर्फ सेविंग में रहता है क्योंकि आपको बताया आर डी और टी डी और सुकन्या जितने सालों की रहती है होती है देन वन टाइम मच्योरिटी होती है इसमें कोई विड्रॉल नहीं होती बीच में देन बैलेंस आफ्टर ट्रांजेक्शन देन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन देन सेम प्रोसीजर है पैटर्न सेम है एक तरीके से मैनेज करना है नकल भी मार सकते हो जैसे आपके पुराने बी पी एम ने मैनेज कर रखा हो उस तरीके से देख सकते हो मैंने अपने जितने भी अपने रजिस्टर्स हैं सब मैंने खुद से लगाए हैं नए और एज़ यू कैन सी बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से और ये जो टिक होते हैं ये ना चेकिंग पे लगते हैं जब चेकिंग करते हैं ना एम इंस्पेक्टर वो टिक लगाते हैं कि सही ट्रांजेक्शन मैंने डाली है या नहीं है गलत तो नहीं है सो so, ये है मेरी बी ओ समरीज होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होएगी आपको समझ आया होगा कैसे इसको मेनटेन करना है एन यहाँ पे मेरे पास टी के बहुत कम ही खाते थे मैंने तीन ही खोले थे सो so, इनकी डिटेल्स भी ऐसे कर रखी है सो so, आपको ऐसे ईजिली बहुत अच्छे से मैंटेन करना है अपने बी समरी को बी समरी मैंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर इसमें अगर आपने गलती कर दी कोई भी ट्रांजेक्शन आपने डाल दी ऐसी जो आपने अभी तक जमा नहीं किए हैं या आपने नहीं डाल ली कस्टमर से पैसे ले लिए हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसको टाइम टू टाइम अच्छे से मेंटेन करके रखना ये ठीक रहेगा मेरी बीओ समरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी इसमें कोई भी छत्तीस का आंकड़ा नहीं पढ़ना है बहुत इजी है इसको मेंटेन करना बस आपके बीओ में जितने भी खाली रजिस्टर पड़े हैं उसके हिसाब से आपने रजिस्टर ले लेने हैं और सेम पैटर्न से आपने बना लेने हैं देन उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना शुरू कर देना है डे दे बाय डे जिस दिन भी आपने कोई डिपॉजिट किया है डिपॉजिट स्लिप से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री इसमें डालनी है देन आप अपनी बीओ समरी क्रिएट करोगे देन उसके बाद आप अपना डेली अकाउंट बना दोगे दैट्स इट इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसको मेंटेन ज़रूर से ज़रूर करना है बिकॉज अगर इसमें एक भी एंट्री नहीं हुई तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो अगर इसमें एक भी एंट्री एक्स्ट्रा होगी तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो सो so, इसको टाइम टू टाइम नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है बिकॉज दिस इज बेसिक रिकॉर्ड ऑफ योर बी यही आपके पास रिकॉर्ड होता है आपने कितना जमा कराया है और कितना निकाला है सो so, अकबर अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन अभी भी माइंड में है ड्रॉप आउट कर देना और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे बता देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक तब तक स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ़ फॉर फ्यूचर टू ऑल बेस्ट ऑफ लक